भूल भुलैया 3 के बाद फिर हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाएंगे अनीस बाजमी, इस एक्टर संग करेंगे काम। पिछले साल ड्रीम गर्ल 2 में नजर आए अभिनेता आयुष्मान खुराना फिर से कॉमेडी फिल्मों की तलाश में हैं। खबर है कि भूल भुलैया 2 के निर्देशक अनीस बाजमी के साथ हॉरर कॉमेडी फिल्म करने को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। इससे पहले उन्होंने इस जॉनर में हाथ नहीं आजमाया है। सिनेमाई गलियारों की खबरों के मुताबिक आयुष्मान और अनीस भूतियापा नामक हॉरर कॉमेडी के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिल्म के बाकी पहलुओं पर अभी काम किया जा रहा है। अनीस फिलहाल भूल भुलैया 3 की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद साल के अंत तक नो एंट्री फिल्म के सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं। उसमें अर्जुन कपूर, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ प्रमुख भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। तीनों ही कलाकार डबल रोल में होंगे। इस बीच आयुष्मान के पास पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली की बायोपिक है। ऐसे में अभिनेता और निर्देशक की जोड़ी यह पता लगा रही है कि वे कब इस पर काम कर सकते हैं। बता दें कि अनीस बाजमी के निर्देशन में बनी फिल्म भूल भुलैया 3 इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में अगर यह दोनों साथ में हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाते हैं तो फैंस भी इसे देखने के लिए काफी उत्साहित होंगे। हालांकि इस फिल्म को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले आयुष्मान खुराना को आखिरी बार फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में देखा गया था, जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में दिखाई दी थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। अब आयुष्मान के फैंस उनकी नई मूवी का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।